नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो में हम साड़ी का रीयूज दिखाएंगे कि मैंने साड़ी से क्या क्या बनाया है। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ साड़ी। देखिए कुछ इस प्रकार का है और ये सिल्क में है साड़ी, और इस पर ये बॉर्डर लगा हुआ था ऐसे ही गोल्डन में। पूरा साड़ी प्लेन था, पूरा ये रेड कलर में है साड़ी, आप देख ही रहे हैं कलर भी इसका। और साड़ी का जो कंडीशन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से डैमेज हुआ था। तो इसका कैसे रीयूज किया वो मैं दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये मैंने ब्लाउज बनाया है, ऊपर का जो होता है लहंगे के ऊपर का चोली, ये वही वाला है। ये प्रिंसेस कट में बनाया है और ये नीचे में थोड़ा सा बॉर्डर दे दिया रेड कलर का, बाकी पूरा ये गोल्डन में है। इसका बैक साइड बिल्कुल प्लेन है और ये फ्रंट में ऐसे लूप लेकर ये बटन से लगा रखा है, ये खुल भी जाता है। साइड में चैन अटैच है और ये करीबन छोटी सी बच्ची के लिए ही है, ज़्यादा बड़ी बच्ची नहीं है। और ये जो पल्लू का एरिया था वो बहुत ही कम था, मान लीजिए मतलब कहें कि एक चौड़ा सा बॉर्डर लगा हुआ था तो उससे बस इतना ही बन पाया है आगे और पीछे का। और इसका जो बाजू है ये मैंने बॉर्डर से लिया है, दोनों बाजू मैंने बॉर्डर से ही लिया है। तो जैसे मैंने दिखाया था कि साड़ी में ऐसे ही गोल्डन बॉर्डर आया था साथ में ही, तो उससे ही लिया है। बनने के बाद भी काफ़ी सारा इसका जो बॉर्डर था वो बचा हुआ है, तो उसको मैंने कहाँ अटैच किया वो भी मैं दिखाऊँगी आपको। तो ये देखिए इससे मैंने लहंगा बनाया है और ये कलियों में काट कर बनाया है। मैंने बताया था कि साड़ी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डैमेज था तो इसका अम्ब्रेला नहीं निकल सकता था, इसलिए कली में काट कर बनाया गया है। ये ऊपर में बेल्ट अटैच है, तो बेल्ट मैंने दिखाई था अपने बिल्कुल प्लेन दिया है। और जो बताया था कि बॉर्डर बचा हुआ था वो पूरा मतलब पूरा लहंगे में लगा दिया है। ये देखिए ऊपर से पतला है और नीचे से काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो जा रहा है, इसलिए इसका काफ़ी ज़्यादा घेरा आया है। तो आप देख ही रहे हैं कितना फिनिशिंग के साथ ये कली अटैच हुआ है इसमें, और घेरा आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा आया इसका घेरा। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये छोटी सी बच्ची के लिए लहंगा बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा घेरा पड़ा है। जैसे अम्ब्रेला में कट करते हैं तो जैसा घेरा पड़ता है वैसे ही। और ये नीचे मैंने साटन का लाइनिंग दिया है, इसे भी नीचे से पीको कर दिया है। पीको करने से इसका फॉल बहुत अच्छा आता है। और साटन का नीचे देखिए मैंने कॉटन का भी लाइनिंग दिया है इसके अंदर, तो डबल लाइनिंग के साथ ही ये लहंगा तैयार हुआ है। आप देख ही रहे थे ऊपर में कितना अच्छा फॉल आ रहा था इसका, तो ये डबल लाइनिंग के साथ तैयार हो गया है हमारा लहंगा। और साटन का इसलिए दिया क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट में है। ये देखिए कितना ज़्यादा नीचे का घेरा पड़ा है। और बॉर्डर भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ मैंने अटैच कर दी, इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आया है। तो इस प्रकार के डैमेज साड़ियों से आप एक के साड़ी के साथ तीन तीन ड्रेस बना सकते हैं। और ये कली में काटा हुआ है इसलिए थोड़ा सा इसका फैब्रिक बचा हुआ भी है, तो उसका कैसे रीयूज करूँगी ये देखते हैं आगे में। तो साटन का फैब्रिक लगने की वजह से देखिए इसमें कितना अच्छा शाइनिंग आ गया है। जैसे कि मैंने बताया था ये कपड़ा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, तो इसी वजह से मैंने साटन का ही लाइनिंग चुना, क्योंकि कॉटन का अगर हम देते हैं तो थोड़ी देर बाद मतलब कुछ टाइम बाद जैसे धुला जाएगा तो थोड़ा सा सिकुड़ने लगता है, तो ऊपर चढ़ने लगता है। तो इस वजह से इसमें डबल लाइनिंग मैंने अटैच करवाया था कि ताकि अच्छे से इसका फॉल आए। और आप देख भी रहे हैं कितना मतलब भारी और हैवी लुक में आया है। तो लहंगे का लुक तो बहुत ही खूबसूरत आया है, पता नहीं कैमरे ने इतना अच्छा से कैप्चर किया है कि नहीं। और सेकंड ये जो बचा हुआ फैब्रिक था थोड़ा सा साइड से जो हम कली काटते हैं उसमें से बचा हुआ था, तो उसका मैंने ये छोटा सा पर्स बना दिया है क्योंकि छोटे बच्चों को ऐसा पर्स बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें भी मैंने ये साटन का लाइनिंग दिया ऊपर में भी और अंदर में भी, तो इसमें भी डबल पॉकेट बन गया है, ऊपर एक जीप वाला बन गया है आप देख ही रहे हैं। तो एक क्यूट सा हैंड पर्स भी तैयार हो गया इसके साथ। तो रक्षाबंधन के लिए ये आउटफिट तो बहुत ही अच्छा आया है,
आप देख रहे हैं कि दोनों एक साथ तैयार हो गया, लहंगा के ऊपर का ब्लाउज भी, लहंगा भी, और उसके साथ एक छोटा सा पर्स। और अभी भी इसमें से बहुत सारा फैब्रिक बचा हुआ है, इसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डैमेज है, जैसे मतलब बोल लीजिए कि छोटा छोटा सा कट है, तो उससे कट को निकालने के बाद देखते हैं इसमें से क्या बन पाता है, तो वो ज़रूर बनाएंगे इसका भी। तो वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि इसका बचा हुआ पार्ट का हम कैसे रीयूज करते हैं। और भी बहुत सारे हैं जो मैंने साड़ी पर भी काम कर रही हूँ, तो कुछ टाइम बाद ही मैं उसको अपलोड करूँगी। तो ये रहा इसका फाइनल लुक, जो मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या बनाया था एक साड़ी से। तो ये मेरा एक साड़ी में कंप्लीट हो गया, ये सिल्क की साड़ी से बनाया था। और जो अगला मैंने जो साड़ी से बनाया था वो था मेरा ये जॉर्जेट वाली जो फैब्रिक होता है उससे बनाया। इसमें थोड़ा सा ब्लू कलर का स्टोन वगैरह लगे हुए थे, तो इसीलिए मैंने ब्लू कलर में ये बटन्स लगा दिया है यहाँ पर। और ये बहुत ही मतलब पतला फैब्रिक था, इसलिए इसके नीचे भी मैंने साटन का ही लगाया है लाइनिंग। ये भी फुल अम्ब्रेला में ही है। और इसका बचा हुआ फैब्रिक अभी भी मैं उस पर काम कर रही हूँ, थोड़ा सा उसका भी कुछ बाकी रह गया था इसलिए नहीं दिखाया इसको वीडियो में। तो देखिए ब्लू बटन्स लगा दिए हैं और ये ऊपर में प्रिंसेस का कटा हुआ है, और इसकी छोटी बाजू भी मैंने दिया है इसमें। तो आप भी इस प्रकार की अपनी 10 साल पुरानी साड़ी को भी रीयूज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये था मेरी दो साड़ियों का रीयूज। अगला मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाती रहूँगी कि मैं और क्या क्या बना रही हूँ। थैंक यू।